चलिए आज देश का बुरा हाल समझने की कोशिश करते हैं, और ये हर इंडियन को, अगर आप इंडियन हैं तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए पूरे देश का प्रॉपर हाल समझने के लिए। एक आई ओपनर वीडियो है, बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च करके मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें रखूँगा जो अभी तक आप लोगों को देखने को नहीं मिली होंगी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं, इंडियन एजुकेशन स्कैम वुड बी द करेक्ट वर्ड। आखिर ये स्कैम इतने बड़े लेवल पर पहुँचा कैसे, ये स्कैम कर कौन रहा है, कौन है इसके लिए ज़िम्मेदार, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च की गई है, बहुत सारा रिसर्च, बहुत समय तक के मैंने रिसर्च की है, तब जाके वीडियो आपके सामने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी प्रोडक्टिविटी टिप्स, लिंक्स और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का फ्रेमवर्क पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत है। 30 से 40 करोड़ जो युवा हैं उनको जॉब्स की ज़रूरत है। जिस समय वो प्रेसिडेंट थे उस समय की बात हो रही है। ASER 2017 यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2017 के मुताबिक सिर्फ 17% इंडियंस ही एम्प्लॉयबल हैं, पढ़े लिखे नहीं, एम्प्लॉयबल, जिनको काम दिया जा सकता है। एक बात और बताना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट बनाने के लिए कोई 2-4 लोगों की सैम्पलिंग नहीं की गई है, 28,323 लोगों की सैम्पलिंग इसमें की गई है। इसकी रिपोर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच की है, आप वहाँ से वेरीफाई कर लें। हमारे देश में यूथ का एजुकेशन से धीरे धीरे ध्यान हटता जा रहा है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं एजुकेशन पे उनका जो विश्वास होता है वो उठता चला जाता है। 14 साल की एज में जो एनरोलमेंट है वो है स्कूलों में 70%, और जैसे जैसे वो 18 साल की एज तक पहुंचते हैं तो उनका एनरोलमेंट हो जाता है 60%। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हमारे यूथ को एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं रख पा रहा है। इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर माननीय अबुल कलाम आज़ाद जी एक बहुत बड़े महाज्ञानी, लिटरेचर हो या फिर रिलीजन हो या फिर पॉलिटिक्स हो, सभी में वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। एक चलती फिरती खुद में एक एनसाइक्लोपीडिया थे, और आगे भी इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे ही महाज्ञानी लोगों ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की कमान संभाली, और ऐसे में बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की। US में एजुकेशन की जो फंडिंग है वो है $115,000 5 साल से लेकर के 15 साल के बच्चों के लिए, और ऐसे में ये एक बच्चे की फंडिंग है जो कि इंडियन रुपीज़ में आज की डेट में 74,65,167 रुपये होता है। अब यहाँ पे 74, 65, 67 इसका मतलब भी लोगों को नहीं पता है। इसका मतलब ये है कि 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा पर ईयर एक बच्चे पे US की गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उनके एजुकेशन पे, उनकी लर्निंग पे। इंडिया में सोचना भी पाप है। अब कई लोग यहाँ पे मुझसे ये काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका ये कंपैरिजन ही गलत है, आप डेवलप्ड कंट्री को डेवलपिंग कंट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो चलो कोई एक डेवलपिंग कंट्री ले लेते हैं, जिम्बाब्वे, जो इकोनॉमी जिसकी इंडिया से भी कमज़ोर है। इंडिया से कमज़ोर इकोनॉमी होने के बावजूद भी जिम्बाब्वे का एजुकेशन सिस्टम इंडिया से कहीं बेटर है, वहाँ के लोग ज़्यादा एम्प्लॉयबल हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। तो इससे कंक्लूजन ये तो साफ हो जाता है कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का सिर्फ एकमात्र पैसा ही जरिया नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आज की डेट में अगर प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस खुली जाएं और हज़ारों रुपए की फ़ीस ली जाए तो लोग हंसना शुरू कर देंगे कि ये कहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हो, ये कुकिंग क्लास है, इसकी कोई वैल्यू है क्या? या फिर वहीं एक बड़ा सा कॉलेज खोल दिया जाए और बड़ी बड़ी फैंसी डिग्रीज इंजीनियरिंग की और उसके बाद डॉक्टर्स की डिग्री अगर दी जाएँ तो ऐसे में वो शायद कॉलेज बहुत अच्छे से चल जाएगा, जबकि ज़रूरत कुकिंग क्लासेस की भी उतनी ही है जितनी प्रोफेशनल डिग्रीज़ की है। इसका सबूत क्या है आपको पता है? इसका सबूत है वो YouTube की वीडियोस जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी गानों से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं कुकिंग के चैनल्स पे। बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनसे मेरी बात हुई है वो समझते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को, उनको कुकिंग में ऐसा कोई प्रोफेशन बनाने का मौका नहीं दिया गया, तो आज की डेट में वो यूट्यूब में बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। मधुलिका मैम हैं और कविता जी हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन लोग इसको अपना शुरुआत से पैशन नहीं बना पाते क्योंकि हमारी सोसाइटी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, हमारा एजुकेशन सिस्टम ये हमें सीखने नहीं देता। आज की डेट में अगर मैं बोलूँ आपको कुकिंग क्लासेस के लिए आपको 50,000 रुपये देने होंगे 1 साल के लिए, तो क्या आप देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको मनी मनी लगेगा, उस सोसाइटी की थिंकिंग बन चुकी है कि क्या कुकिंग क्लासेस के लिए इतने पैसे देंगे, क्या ज़रूरत है। जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री ऑलरेडी रिलेटिवली पुअर इकोनॉमी है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं पे हमारे पास जो बेसिक सिलेबस है उसमें सिर्फ रटवाया जाता है।
दोस्तों यहाँ पे इंडिया में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, पहला जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी होना, दूसरी जो भी यूथ है वो एजुकेशन सिस्टम, वो जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है उसी एजुकेशन सिस्टम से होके गुजर रहा है, उस घिसे पिटे हुए एजुकेशन सिस्टम से अल्टीमेटली वो एक अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड पर्सन हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू सोसाइटी खुद है। सोसाइटी में आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब हैं, जिसने आज तक अंग्रेज़ों के जुल्म सहने के बाद खुद को आज तक चेंज नहीं किया, बिल्कुल वैसा का वैसा ही बनाए रखा है। इसी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो 4G सिम यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 90% स्टूडेंट्स का जो 4G डेटा जाता है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की वीडियोज़ देखने में जाता है, लर्निंग या एजुकेशन से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब इसमें आप ये गलत मत समझिएगा कि मैं स्टूडेंट्स की बुराई कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ जो उनके साथ हो रहा है, ये जानना ज़रूरी है। उन्हें लर्निंग का मतलब नहीं पता है, अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, बेसिक समझदारी की कमी, लॉजिक ना लगा पाना, और उसके बाद जो सही है उसको गलत समझना और जो गलत है उसको सही समझना, फैन और फॉलोअर में मतलब ना समझ पाना, अंधाधुंध फॉलोइंग करना, ये सब सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम का नतीजा है। लॉजिक की कितनी कमी है इसका चौंकाने वाला सच समझिए। स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शंस रखे गए थे, 28,323 लोग हैं, ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ी सैम्पलिंग होती है, इतने स्टूडेंट्स के पास दो सैंपल रखे गए, एक दुकान और दूसरी दुकान में उनको किताबें खरीदने के लिए जाना है, एक दुकान की रेट लिस्ट है और दूसरे दुकान की रेट लिस्ट है। तो दोनों दुकानों की रेट लिस्ट दी हुई है, स्टूडेंट्स को बताया गया कि पहली दुकान में कोई ऑफ़र नहीं चल रहा है लेकिन दूसरे दुकान में ऑफ़र चल रहा है, 299 रुपये में पांचों किताबें मिलेंगी, ऐसे में आप किस दुकान में जाएंगे? स्टूडेंट्स ने इसको देखा और बिना सोचे समझे कह दिया कि ऑब्वियस सी बात है, जहां ऑफ़र चल रहा है वहीं जाएंगे, जहां ऑफ़र नहीं है वहां क्यों जाएंगे। स्टूडेंट्स ने ये तक के लॉजिक नहीं लगाया कि एक बार हम टोटल तो करके देख लें कि किस दुकान में कितने पैसे लग रहे हैं। आप टोटल करके देखेंगे तो शॉप नंबर 1 में जो टोटल आ रहा है वो कम आ रहा है। तो ये है हमारे विद्यार्थियों के लॉजिक लगाने का मतलब, कि बस ऑफ़र दिखा तो बढ़िया है, मास दिख गया तो बढ़िया है, भीड़ दिख गई तो बहुत अच्छा है। लॉजिक की इतनी कमी क्यों हो रही है इसको समझने के लिए दोस्तों एक और चौंकाने वाला सच आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। 18 साल की उम्र वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 82% लोगों के पास आज की डेट में 4G कनेक्टिविटी वाला मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उसमें से 42% ही इंडिया के मैप को देने के बाद अपने स्टेट को 42% लोग ही सही से पॉइंट आउट कर पाते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टेट है। उनको यही नहीं पता कि उनका स्टेट मैप में है कहाँ। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी तो हाथ में दे दी गई लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है ये तो सिखाया ही नहीं गया। ये टेक्नोलॉजी देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है क्योंकि इसका यूज़ करना सिखाया ही नहीं गया है। हम एक दूसरे को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू अवर पास्ट हेरिटेज सच एज पास्ट क्वींस या फिर पास्ट कल्चर, पास्ट रिलीजन, सेक्रेड एनिमल्स, और जब फ्यूचर की बात आती है जो कि है हमारे बच्चे, हमारा यूथ, वहाँ पे सबके मुंह बंद हो जाते हैं। देश में इतने सारे पेपर्स का लीक होना कंटिन्यूसली फॉर द पीरियड ऑफ ईयर्स, और आज की डेट में पूरे पूरे वर्ल्ड का इंडियन एजुकेशन सिस्टम से भरोसा ऑलमोस्ट उठ चुका है, ये रियलिटी है। जो अंग्रेज़ों ने अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ में क्लर्क की नौकरी के लिए लोगों को रखने के लिए जो बेसिक एजुकेशन दिया था, आज भी हम अपने यूथ को वही बेसिक एजुकेशन पे पूरी तरीके से निर्भर रख रहे हैं। एवरी एवर एक स्टूडेंट टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से सुसाइड कर लेता है बिकॉज ऑफ अनफुलफिलमेंट ऑफ हिज डिज़ायर्स रिलेटेड टू एजुकेशन। ऐसे बच्चे जिनको अपना कॉलेज नहीं मिल पाता, अपना करियर गोल वो अचीव नहीं कर पाते, जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते, फोर्सफुली कुछ बनवाया जाता है उनसे, ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, इसको बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर TSR सुब्रमण्यम। उसके बाद इस कमेटी का नाम मिस्टीरियसली चेंज कर दिया गया और इसके बाद इसके जितने भी रिकमेंडेशंस थे उनको अप्लाई नहीं किया गया। इसके बाद एक नई कमेटी बनाई गई, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन उसको हेड कर रहे थे यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस अभी तक अप्लाई नहीं की गई हैं पूरी तरीके से। इसके साथ साथ जो कि एक अखबार है जो कि इकोनॉमिक टाइम्स है वो कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है प्राइमरी और प्री प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उसमें अच्छे टीचर्स का नहीं होना, ऐसे टीचर्स जो कि काबिल नहीं हैं उनको बच्चों को हैंडल करने के लिए, ऐसे टीचर्स जो जानते नहीं हैं बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में, जिन्हें सिर्फ जैसे तैसे नौकरी मिल गई है और जैसे तैसे वो बस पढ़ा रहे हैं।
ऐसे में हमारे बच्चों का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बन पाता है, जिसके चलते वो आगे चल के फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A में फॉर द राइट टू एजुकेशन, और इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीए ने एक एक्ट लागू किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009, जो कि ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि 6 to 14 ईयर्स का हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिला जाए। इसका भी फायदा तो हुआ, लेकिन उस मैग्नीट्यूड पे नहीं हुआ जिस मैग्नीट्यूड पे हम सोच रहे थे। तो दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट से भी इतना फ़ायदा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो बेसिक करिकुलम था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया अभी तक के। पूरी घुमा फिरा के बात यहाँ पे आती है कि हमारा एजुकेशन बिल्कुल भी इक्विप्ड नहीं है आज की डेट में। जितने भी लोग जो हम बोलते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का नाम ले लेकर के बोलते हैं, जैसे सत्य नडेला बोलते हैं, सुंदर पिचाई बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम हम लोग लेते हैं जो कि बड़े बड़े कंपनीज के CEOs टॉप पोजीशंस पे इंडियंस बैठे हैं। इंडियंस में डेफिनेटली कैपेबिलिटी है इसका मतलब, लेकिन वो इंडिया में रह के वो नहीं कर पाते हैं। इंडिया से बाहर जाके वो अपना टैलेंट को नर्चर करते हैं, अपने टैलेंट को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ अपने पर्सनल सॉल्यूशंस और इन जनरल जो सॉल्यूशंस हैं उनकी बात करना चाहूँगा। यहाँ पे हमने भी कुछ इनिशिएटिव्स उठाए हुए हैं। एजुकेशन को आज की डेट में ऐसा बनाना होगा कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज को प्रमोट किया जाए। ओपन यूनिवर्सिटीज़ जैसे फॉर एग्जांपल इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे काम करते करते भी आप बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि लोग कोर्सेज करने में अलग अलग जगहों से, अलग अलग ओपन यूनिवर्सिटीज़ से कोर्सेज करने में प्रोत्साहित महसूस हो। उनकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, उनकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 18 साल के बच्चों में से 82% लोगों के पास 4G कनेक्टिविटी है, तो उनको उसी प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल लर्निंग करना सिखाया जाना चाहिए। इसमें जैसे एक स्वच्छ भारत कैंपेन चल रहा है, क्यों ना वैसे ही एजुकेशन कैंपेन चलाया जाए, बड़े लेवल पर पब्लिसिटी की जाए। जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, आज की डेट में होता है ना ऐसा कि कहीं कोई फेंक रहा होता है तो हमारे दिमाग में अपने आप ही स्वच्छ भारत का एक इमेज बन जाती है। ऐसे ही होना चाहिए कि अगर एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो अपने दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए एजुकेशन को लेकर कि नहीं, उसको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। ये क्यों नहीं हो पाता है? जितनी ज़्यादा हम मार्केटिंग ब्रांडिंग एजुकेशन की करेंगे उतना ये भी चीज़ें प्रमोट हो सकती हैं। सिर्फ बेसिक एजुकेशन नहीं, अभी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ आपसे कि जो हम करने वाले हैं वो हम चाहते हैं हर जगह लर्निंग ग्रुप्स बनाए जाने चाहिए। सिविल बींग्स कम्युनिटी ये चाहती है कि हर जगह लर्निंग ग्रुप्स बनाए जाने चाहिए। आप देखते हो ना, आपके शहर में बहुत सारे कुकिंग क्लासेस होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे में जब आप 16-17 साल तक के स्कूल में हो तो क्यों ना ऐसे लोगों को एज अ ट्यूटर इन्वाइट करके एक बेसिक सिलेबस जो है उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए। एक ऐसा हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो कि हर साल बच्चों में कंपलसरी हो कि वो उनको सीखना ही सीखना है, और जब तक वो स्कूल से बाहर आएंगे उनके पास इतने स्किल्स हो चुके रहेंगे कि वो लाइफ में उनको पक्का रहेगा, जैसे 3 Idiots में मूवी में था कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ ढंग का तो ज़रूर कर ही लूँगा। तो क्यों ना ऐसी फीलिंग उनके अंदर आए कि भाई अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो ठीक, और अगर नहीं मिली तो और भी ठीक। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने स्किल्स पहले से होंगे, उनकी स्कूल लाइफ में उनको इतने स्किल्स मिल चुके रहेंगे। जापान भी इसी मॉडल पर काम करता है। ऐसे में विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। जो कारपेंटर, प्लम्बर और जो भी आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, वो जब अपनी कला जब अपना रेगुलर टाइम में कर रहे होंगे, एक पार्ट टाइम जॉब भी उनको मिल जाएगा अपनी कला को सिखाने का बच्चों पे, और साथ ही साथ बच्चे भी सीख पाएंगे नई नई चीज़ों को और एक्सप्लोर कर पाएंगे कि वो किस चीज़ में एक्चुअली बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को समअप किया जाए तो ओवरऑल एजुकेशन कोई एक बंदे का काम तो है नहीं, पूरी सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ता है एक बच्चे पे। एक बच्चा जब ग्रो होता है तो वो अकेला ग्रो नहीं होता है, हर तरफ से पूरी सोसाइटी का इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। और ऐसे में अगर आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम ख़राब है तो इसको ठीक भी सोसाइटी पूरी के पूरे लोग, पूरी जनता मिल के कर सकती है, लेकिन अगर कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा, सब उसी भेड़ चाल में चले जाएंगे, तो ऐसे में कोई ठीक होने की कोई संभावनाएँ नहीं बनती हैं। हमारा एजुकेशनल सिस्टम इन स्टूडेंट्स को रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग लगाना नहीं सिखा पाता है, क्योंकि टीचर्स ही वैसे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि टीचर्स की उतनी वैल्यू नहीं रही है। स्कूल्स को चाहिए सस्ते टीचर्स, उसके बाद स्कूल्स टेम्प्ररी टीचर्स लेते हैं। टेम्प्ररी का उसका उनको एक टाइम दिया जाता है कि आप परमानेंट इतने एक साल में, आप 6 महीने में हो जाओगे। जब परमानेंट होने की बारी आती है तो मैंने कई बार देखा है उन टीचर्स को निकाल के कुछ दूसरे टेम्प्ररी टीचर्स को रख लिया जाता है। तो ऐसे में टीचर्स को मोटिव कहाँ से मिलेगा बच्चों को पढ़ाने का, और ऐसे में स्टूडेंट्स कहाँ से सीख पाएंगे? पर ऐसे बहुत सारे स्कूल्स, ऐसे बहुत सारे टीचर्स, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। सो ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है।
तो जो जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए, मैं भी खुद बहुत सारे लोगों तक ये पॉइंट्स पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। सिविल बींग्स की वीडियोस थोड़ी कम इसलिए आती हैं क्योंकि अभी हम लोग ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। जितना ज़रूरी यूट्यूब पे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाना है, आप लोग तक सही बातें पहुंचाना है, उतना ही ज़रूरी ग्राउंड लेवल पे भी काम करना है। सिर्फ बातें करने से काम नहीं बन पाता है, हमें काम भी करना पड़ता है। आप लोगों में से जितने लोग इसको देख रहे हैं अभी के अभी भी आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, जितने ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतने ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्चुअली एक थिंकिंग पहुंच पाए, एक सोच पहुंच पाए। जैसे आज की डेट में स्वच्छ भारत एक सोच बन चुकी है, जहां भी हम किसी को कचरा फेंकते हुए देखते हैं तो अपने आप ही दिमाग में आता है कि ये गलत कर रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा आप लोगों का इतनी लंबी वीडियो को इतना पेशेंटली देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।